आपकी गाड़ी की ना एक बैटरी जो है ना मतलब पूरा डेड है, खत्म है। मैं सोच रहा था बैटरी दोनों चेंज ही कर देंगे, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, कूलर वगैरह गाड़ी में चलाना पंखा, तो उसकी वजह से फिर गाड़ी सुबह के टाइम स्टार्ट नहीं होती है। तो यार जब मतलब नींद पूरी नहीं होती और बंदा बहुत थका हुआ होता है तो फिर समझ ही नहीं आता है टाइम कहाँ से गुजर जाता है, क्या करता है। मतलब मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था, उसी के साथ साथ नींद पड़ गई तो मुझे फिर पता ही नहीं चला। तो चले अभी अपने शहर जो यहाँ पे है राज हाइक सपोर्ट करो और आगे जाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, क्योंकि जिनको अभी लोड कर रहे हैं कुछ गाड़ियाँ अभी लोड हो जाएगी, शाम के टाइम ऐसे यहाँ पे लोड होता है। तो मैंने इसको बोला कि मैं आज लोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं अब कल लोड करूँगा। आपको पता ही है बहुत थक चुका हूँ और ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई, तो आज रात को आराम से सो जाएगी, क्योंकि फिर मतलब इसको भी मंडी का माल है ना, ये भी टाइम का माल है, इसलिए मैंने सोचा आज यहीं पर रुकेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होगे, अच्छे से होगे। तो मैं आप सबका भाई शेडी एक्सप्रेस, तो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट। तो कैसे आप जी पब्लिक, जैसे कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा गुवाहाटी पहुंच गया, तो अपनी गाड़ी भी खाली होगी, अभी टाइम आ गया है दिन के एक। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, आज चिकन लाया है, चिकन बना रहा हूँ। अभी तेल यहाँ पे फ्राई हो रहा है, और जो साथ वाले बंदे थे ना साहिल भाई और जहांगीर भाई, उनको भेजा था भाड़ा लेने के लिए, क्योंकि मैंने उनको बोला आप भाड़ा लेके आओ। तो यार तेल जल गया, पहले इसको मैं गैस ही बंद रखता हूँ। उनको बोला भाड़ा लेने के लिए, वो गए भाड़ा लेने के लिए, तो मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। तो आप सोच रहे हो कि सिटी भाई अभी भी सोया नहीं, तो मतलब नींद मैंने उतना भी नहीं की यार। जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो 1 बजे रसद रुपाल खोल दिया, उसके बाद ना 1-2 घंटे मुझे नींद पड़ी, तब तक उन लोगों ने 2 घंटे में गाड़ी खाली की। 2 घंटे के बाद उन लोगों ने बोला यहाँ से गाड़ी निकालो, क्योंकि अभी नो एंट्री चल रही है यहाँ पे, फिर दिन को आप यहाँ से नहीं निकल सकते हो। तो अभी मैं वहाँ से निकल के आया, कम से कम वो जो ब्रिज है उससे आगे 5-6 किलोमीटर आगे गाड़ी साइड कर दी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1-2 गाड़ी है जो कि JK नंबर की है, रजौरी में रहते हैं ये, यहाँ पे लोकल पे चलते हैं। तो अभी मेरा भी कुछ प्लान नहीं, अभी मैंने सोचा बाड़ा वाड़ा लेके रखेंगे, उसके बाद ही देखते हैं कहाँ का क्या माल भर लेंगे। सिलीगुड़ी से मतलब कच्चा माल निकलता है, दिल्ली का मिर्च निकलता है, खीरा निकलता है, पर यार आपको पता ही होगा अकेला ड्राइवर बहुत मुश्किल है, सिंगल ड्राइवर का बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर उसकी मंडी लेट हो गई, आपको पता है अब गर्मी भी बढ़ गई, माल ख़राब हो जाएगा, उसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो चले क्या करें, फिलहाल आज दिन को यहीं पे रेस्ट करते हैं, और अभी इसका भी कुछ पता नहीं है, अभी देखते हैं क्या मुकद्दर में होगा। सही फैसला तो ऊपर वाला ही करता है, बाकी हमारे बोलने से कुछ नहीं होता है। तो अभी मैं सोच रहा था नहाने का, कपड़े वपड़े चेंज करने का, पर अभी हम रोड पे ही ये गाड़ी साइड कर दी, क्योंकि अंदर ना यार नो एंट्री लग जाती है, उधर कोई जगह नहीं था। तो और मैं मुझे पता नहीं था ट्रांसपोर्टर कहाँ पे है, मतलब कौन सा मार्केट कहाँ पे है और पार्किंग कहाँ पे है, तो इसलिए मैंने गाड़ी वहाँ से बाहर ही निकाली, तो अभी रोड पर ही खड़ा हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि खाना वाना खा के अच्छे से नहाएंगे धोएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, फिर रात को अच्छे से रेस्ट कर लेंगे, तो फिर देखते हैं क्या मुकद्दर में होगा। तो चलो ज़्यादा ना आपको भी बोर करते हैं, आज दिन का व्लॉग जो है ना यहीं पे शूट होगा, मतलब अभी हिम्मत ही नहीं था, सच बोल रहा हूँ, व्लॉग शूट करने का। तो अब मैंने सोचा नहीं, फिर लोग बोल रहे हैं कि सेठी भाई हम इंतज़ार कर रहे होते, तो तब मुझे ना बहुत हर्ट होता है, क्योंकि जब मुझे पर्सनली मैसेज आते हैं कि व्हाट्सएप फेसबुक पर सेठी भाई आज का व्लॉग कहाँ पे है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ यार मतलब हरक पड़ जाती है, मेरा वेट कर रहे होते। तो चलो साहिल भाई और जहांगीर भाई भाड़ा लेने के गए, वो भी आते हो गए, तो तब तक मैं अपना खाना बनाऊंगा। अभी देखो ये टमाटर प्याज मैंने काट के रखा और चिकन मैंने फ्राई कर दिया, अभी मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तेल भी मैंने इस पर लगाया था, अब डालते हैं इसको प्याज टमाटर, बनाते हैं खाना, तब तक वो भी आएंगे आराम से। तो आज के व्लॉग के लिए ना यार दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार नींद ही पड़ी थी और अपना खाना वाना बना रहे थे, 1-2 घंटा नींद पड़ी, मतलब खाना बना के मैंने रखा, मतलब खाना खाना था, क्योंकि साहिल भाई और जहांगीर भाई का वेट कर रहा था, वो भी आ गए भाड़ा लेके। अभी टाइम आ गया दिन के 5, तो कम से कम आधा 1 घंटा पहले साहिल भाई आया था, तो मुझे नींद पड़ी थी, लोगों ने मुझे जगाया नहीं, तो मुझे व्लॉग भी अपना भूल गया। तो अभी मैं नीचे उतरा, ये देख सकते हो आप अपनी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, अभी गाड़ी खाली है बिल्कुल, बाड़ा वाड़ा सारा ओके है। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल रोड पे ही गाड़ी है, तो अंदर मतलब मैं रात को ही निकल के आया, क्योंकि वहाँ अंदर नो एंट्री है, मैंने नो एंट्री से बाहर अपनी गाड़ी रखी है, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम खाना खाते हैं, तो आज का व्लॉग जो है ना मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा ही हो जाएगा यार, सॉरी इसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि आपको पता ही होगा 4-5 दिनों से सोया नहीं और हालत में बहुत ख़राब है। तो अभी देखो अपने आसाम का प्यार देखो, अभी भाई आया, क्या हाल है भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। क्या नाम है भैया? अजी थनमोनी कोलिता। चलो ठीक है, तो कहाँ रहते हो? इधर ही 40 किलोमीटर दूर। चलो चलो, तो अभी भाई मिलने के लिए आया था,
অসমৰ জিবলা ভাই বন্ধুসকলে চাই আছে হাইক সাপোর্ট কৰক আৰু আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰক ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ সমজ নি আ ৰহা ভাই নে কি বলা আপনি বাছি না পৰ ইতনা তো সমজ আ ৰহা হ্যায় কি ভাই কো সাপোর্ট কৰা সাপোর্ট কৰনে কে লিয়ে হ্যাঁ ইতনা তো মুঝে ভি সমজ নি আয়া তো চলো অভি হম ফিলহাল খানা খা কে আজ ভাই কো ভি আপনে সব খানা খায়েগা ঠিক হ্যায় ঠিক হ্যায় अलैकुम। पहले आप सबको मेरी तरफ से और एक गुड मॉर्निंग। तो कल का ही व्लॉग हम कंटिन्यू रखते हैं, तो क्या ही बोले यार, कल आपको पता ही था मतलब नींद ही पूरी नहीं हुई थी, उसकी वजह से व्लॉग का कुछ समझ नहीं आया कहाँ से स्टार्ट किया क्या किया यार। जब मतलब नींद पूरी नहीं होती और बंदा बहुत थका हुआ होता है तो फिर समझ ही नहीं आता है टाइम कहाँ से गुजर जाता है क्या करता है। मतलब मैं अपना वीडियो एडिट कर रहा था उसी के साथ साथ नींद पड़ गई तो मुझे फिर पता ही नहीं चला। तो चले अभी अपना शहर जो यहाँ पे है, रात को मैं यहाँ पे सोया था, तो मतलब मैं रात को वहाँ से निकल के आया था, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी की तरफ जा रहा था। तो अभी ये भी कुछ पता नहीं है कि बहुत सारे बोल रहे थे इधर लोकल में चलो वो करो ये, मतलब जैसे कश्मीर की गाड़ियाँ बहुत सारी यहाँ पे चलती है लोकल में सिलीगुड़ी से या बोल रहे अगरतला। मुझे तो कल की लोडिंग थी अपनी गाड़ी की, पर यार मैं ही थोड़ा कमज़ोर था इसलिए मैंने कल अपनी गाड़ी लोड नहीं की, क्योंकि आपको पता ही होगा यह बर्फीता सिलीगुड़ी से पीछे जो पड़ता है, यहाँ से खेरा जा रहा है दिल्ली का, पर वो भी मंडी का माल है, ऊपर से आपको पता ही होगा 5-6 दिन के बाद में यहाँ पे पहुँचा था, तो मतलब चलने के लिए हिम्मत ही नहीं था। वो उसको भी मंडी का टाइम होता है, तीसरी नाइट को वो आज़ादपुर मंडी पहुँचाना पड़ता है। तो चलो अभी मैं फिलहाल वहीं पे चलता हूँ बर्फीता, तो सिलीगुड़ी भी फ़ोन लगाया तो अभी मतलब वहाँ से भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं। अब देखते हैं मुकद्दर में या सिलीगुड़ी से माल भरना होगा या बर्फीता से, देखते हैं घर का है उसी पंजाब की साइड दिल्ली का ही भर लेके, इधर का नहीं भर लेके यार, क्योंकि अब उधर भी मतलब तरबूज वगैरह हमें रेडी हो गया चालू हो गया। तो चलो ये रहा अपना शहनशाह, अभी यहाँ पर टैंकी फुल कर रहे हैं, क्योंकि अब तो टैंकी फुल ही कर रहे हैं क्योंकि अभी हम आसाम में हैं, यहाँ पर रेट 89 यहाँ पर रेट है, तो अभी टैंकी फुल हो रही है उसके बाद ही हम निकलते हैं। उसी के साथ साथ यार तो अपनी गाड़ी की ना एक बैटरी जो है ना मतलब पूरा डेड है, ख़त्म है। मैं सोच रहा था बैटरी दोनों चेंज ही कर देंगे, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गया, कूलर वगैरह गाड़ी में चलाना पंखा, तो उसकी वजह से फिर गाड़ी सुबह के टाइम स्टार्ट नहीं होती है तो पंखा होता है यार इसलिए। तो अभी देखो टैंकी फुल हो रही है उसके बाद ही हम निकलते हैं। तो होगी अपनी गाड़ी की टैंकी फुल, पहले मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल फुल कर दी, अभी देखो कितने में होगी 26,330 रुपया 296 लीटर्स। तो बस कितना हुआ 25 इसमें निकाल 1,330 रुपया हुआ। तो वहाँ से अपनी टैंकी फुल करके निकल गए, तो चल रहे हैं अभी अपना सफ़र जा रहा है, तो फिलहाल खाली गाड़ी लेके चल रहे हैं। तो अभी मतलब कन्फर्म कुछ नहीं है, तो वैसे मैं सोच रहा हूँ क्योंकि जो बर्फीता है वहाँ से खेरा भी निकलता है दिल्ली का, जो कि मैंने आपको अभी भी बोला खेरा निकलता है, पर उसको भी मतलब मंडी टाइम पे होनी चाहिए, ऊपर से अकेला मतलब मैं थोड़ा दूर सोचता हूँ इसलिए। तो चलो देखते हैं क्या होगा मुकद्दर में, फिलहाल तो हम भी चल रहे हैं। अभी देखो यहाँ से धूपगुड़ी 172, तो अभी यहाँ से 17-18 किलोमीटर होगा, तो फिलहाल हम वहाँ पर पहुँचते हैं फिर वहीं पर देखते हैं क्या होगा। तो अभी हम पहुंच गए बर्फीता, तो यहाँ ही से अब इंशाल्लाह कल लोडिंग होगी। तो ये आप देख सकते हो वहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, कैंटर गाड़ियाँ हैं, तो मतलब ये खेरे पे चलते हैं शायद कच्चे माल पे। तो अभी मुझे भी यहीं का एड्रेस दिया गया है, तो मैं भी फ़िलहाल अपनी गाड़ी साइड करता हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। तो अपनी गाड़ी साइड में कर दी, ये आप देख सकते हो कहाँ पे अपना शहनशाह खड़ा किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है, क्योंकि जिनको अभी लोड कर रहे हैं कुछ गाड़ियाँ अभी लोड हो जाएगी शाम के टाइम, ऐसे यहाँ पे लोड होता है। तो मैंने इसको बोला कि मैं आज लोड नहीं करूँगा क्योंकि मैं अब कल लोड करूँगा, आपको पता ही है बहुत थक चुका हूँ और ऊपर से नींद भी पूरी नहीं हुई, तो आज रात को आराम से सो जाएगी, क्योंकि फिर मतलब इसको भी मंडी का माल है ना, ये भी टाइम का माल है, इसलिए मैंने सोचा आज यहीं पर रुकेंगे, तो फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से खेरा भर के दिल्ली की तरफ निकलेगी। तो ओके ये आप देख सकते हो अपना शहनशाह, मैंने सोचा थोड़ा पानी भी यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, बाथरूम वगैरह पानी नल वाल सब कुछ है, एक तो अपने कपड़े वपड़े धोने हैं क्योंकि सारे कपड़े गंदे हो गए, उसी के साथ साथ मैं सोच रहा था मैं नहाऊंगा और कपड़े भी चेंज करूँगा, कल भी फिर नहीं नहाया, तो अब फिलहाल यही करते हैं काम, नहाएंगे और कपड़े वपड़े धोएंगे
फिर उसके बाद खाना अभी बन रहा है, खाना खाएंगे, रात को यहीं पे रेस्ट, इंशाल्लाह सुबह मानो यहाँ पे अपनी गाड़ी की लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर शाम तक यहाँ से गाड़ी को छोड़ देते हैं। पर ये भी कच्चा माल है, इसको भी जल्दी पहुँचाना पड़ता है। अभी पूरा पता नहीं है कितना टाइम देते हैं, पर टाइम तो बहुत कम ही होता है, मतलब आपको पता ही होगा खीरा लोड करना है। आज गर्मी भी अब बढ़ गई तो ख़राब होने का बहुत खतरा होता है। ओके, तो चले फिलहाल हम नहाते हैं और कपड़े वपड़े अपने धोते हैं। ये देखो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे, बस मेरी ये गाड़ी है कि जो कि मतलब इस टाइप की है ट्रक, बाकी जो है ये इचर गाड़ी है, सारे महाराष्ट्र के है, यूपी के है, यहाँ के भी है, राजस्थान के है, हर किसी जगह के है। तो चले, हाँ शहनशाह का भी हाल देखो क्या हो गया, मतलब इस चक्कर में मैंने वॉशिंग भी नहीं की। अब सोच रहे हैं दिल्ली पहुँच के या फिर आगे दिल्ली से लोड करके जब अपने घर की तरफ जाएंगे फिर उसी रोड पे कहीं पे इसकी वॉशिंग कर लेंगे। ओके, तो चलो फिलहाल मैं नहा के आता हूँ और कपड़े वपड़े धो के आता हूँ, काम बहुत है। अभी मैं नहा के आया, कपड़े वपड़े भी धो लिए, सारा काम ओके हो गया, तो टाइम आ गया दिन के 2। तो अभी फिलहाल हम खाना खा रहे, आप देख सकते हो अभी खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इन दो बंदों को भी नहाना है, इसको और इसको भी नहाना है, ठीक है। फिलहाल हम खाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या काम होगा। तो अभी टाइम आ गया शाम के 9:30, आज जल्दी में ही खाना खा लेंगे क्योंकि आपको पता है आज सोना है अच्छे से, मतलब अभी जल्दी सो जाएंगे, 9 बज गए, आधा घंटा हमें लग जाएगा खाना वाना, तब तक हम खाएंगे। उसके बाद मानो 10 बजे तो हम सोने चाहिए क्योंकि सुबह मतलब फिर लोड करना है गाड़ी और चलना है। तो अभी हम खाना खा रहे हैं, आज मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया वीडियो क्योंकि कल का भी ऑलरेडी आधा था ना इसलिए, और यहाँ पर रुके थे नहा के ना फिर यहाँ पर सोए थे, तो अभी खाना वाना भी अपना बना दिया, तो अब बस खाना खा रहे हैं। तो फिलहाल हम खाना खाते हैं, तो उसी के साथ साथ अब हम इस प्यारे से व्लॉग को भी अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको मेरा ये व्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू फैमिली, बाय, गुड नाइट। तो कल इंशाल्लाह अपनी गाड़ी की लोडिंग करनी है खीरा, जो कि यहाँ से दिल्ली के लिए। ओके बाय बाय, अपने दुआओं में याद रखना।